हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बैक फ्रॉम द डेड। सो आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा है अनेबल टू कंप्लीट द फिंगरप्रिंट सेटिंग, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। वो वीडियो को स्टेप बाई स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डिवाइस की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो फिंगरप्रिंट लगे हैं अपने डिवाइस में उनको ऑफ कर देना है और सारे जो सिक्योरिटी के हमने जो फीचर इनेबल किए हैं जैसे फिंगरप्रिंट, पिन, फेस लॉक, सभी को एक बार ऑफ़ कर देना है। सभी को ऑफ़ करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। तो यहाँ से बैक आने के बाद क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और हमें जाना है ऐप्स वाले सेक्शन पे। तो ऐप वाले सेक्शन पे आने के बाद जाना है मैनेज ऐप्स में। तो यहाँ जैसे मैं आऊँगा तो यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है फिंगरप्रिंट को। तो फिंगरप्रिंट जैसे मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा फिंगरप्रिंट टेस्ट, तो इस पर क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले इसकी स्टोरेज पे जाना है, स्टोरेज का क्लियर कैच कर देना है। स्टोरेज का क्लियर कैच करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐप परमिशन का, तो हमें सारी परमिशन वन बाय वन इनेबल कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन डिनाई नहीं करनी है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और क्लियर डिफ़ॉल्ट करना है और एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।